हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला चिट्ठा के बारे में। काला चिट्ठा क्या है बेसिकली? काला चिट्ठा वो चिट्ठा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एसी 2023 एग्जामिनेशन के अंदर कैसे आपके क्वेश्चन आए, क्या हमने जो आपको पढ़ाया क्या वो अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाया, उस पढ़ाए हुए कंटेंट में से क्या कुछ आपके पेपर में आया विद प्रूफ विद स्क्रीनशॉट, हर एक चीज जो आपके सामने में लेके आऊंगा। वैसे तो देखिए ये कैसा टॉपिक है जिसपे कोई भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे कंटेंट से कितना क्या आया है, राइट। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली तीन तरीके के लोगों के लिए। सबसे पहले वो लोग जो हमारे खुद के स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, उनकी खुद की गलती की वजह से, टाइम पर पढ़े नहीं, टाइम पर टेस्ट नहीं दिए, टाइम पर कोई भी काम ढंग से नहीं किया, और ब्लेम किस पे लगता है? टीचर के ऊपर कि सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, सर आपके कोर्सेज में से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। दूसरी वीडियो में बना रहा हूं अपने लिए। अपने लिए क्यों? देखिए कोई भी जब एग्जाम होता है, मुझे नहीं पता मार्केट में टीचर्स का कि वो किस तरीके से एक एग्जाम को देखते हैं, बट मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है बींग अ टीचर। लास्ट के 6-7 साल से मैं सीपीएफ एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आने वाले बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड करना। और मैं गाइड कब कर पाऊंगा? जब मुझे खुद ये पता होगा कि किस तरीके का एग्जाम जो है बेसिकली हुआ है, क्या हमने जो पिछली बार चीजें पढ़ाई उसमें से कुछ कंटेंट बच्चों को के लिए हेल्पफुल रहा, और क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जनरली आपने देखा होगा एग्जाम हुआ नहीं, 2024 की तैयारी कर लो, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो। एक भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये बताया गया हो कि यार ये टॉपिक जो है इस सेक्शन से आए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, टॉपिक मुश्किल था, पेपर आसान था, पेपर मुश्किल था। डायरेक्टली आके सिंपल एक वीडियो बन जाती है कि भाई ये पेपर जो है मुश्किल बना, इस बार मुश्किल आ गया पेपर। अरे देखो तो कमी कहाँ पे रही है, आपने कितना कवर कराया है, ठीक है, अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज बताते हुए कि स्टडी फंडा का अल्टीमेट परफॉर्मेंस रहा है सीपीएफ एसी 2023 एग्जामिनेशंस में, ठीक है। मैं वो टीचर हूं जब आपका पेपर अच्छा नहीं गया था, मेरा नहीं आपका, याद करो वो टाइम सीपीएफ एसी 2022 का जब आपका एग्जाम हुआ था, उस दिन मैं बैठ के रोया था आपके लिए कि यार मैंने इतनी मेहनत की, बट अनफॉर्चुनेटली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जो कि बाहर से आए सारे के सारे, ठीक है। और आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ये चीज बोलते हुए कि जो मैंने पढ़ाया, जो मेरी टीम ने पढ़ाया, सैल्यूट है ऐसी टीम को जिसने दिन रात मेहनत करके इतना डेडिकेटेडली अच्छा कोर्स आपके लिए बनाया। सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। तीसरे वो लोग जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग चैनल्स के अंदर स्टडी फंडा की बुराई करते हैं, स्टडी फंडा ऐसा है, स्टडी फंडा वैसा है, लूटते हैं ये बच्चों को, महंगी फीस है, नो डाउट महंगी फीस है, कंटेंट के पैसे लेते हैं भाई। मेहनत करता हूं आपके दिल लिए दिन रात, पूरी टीम मेहनत करती है, प्रूफ आपको अभी दिखाऊंगा सारे के सारे, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन कहां से आए क्या नहीं आए, ठीक है। पेपर के बारे में भी बात करूंगा, जो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहां पे जो है छोड़ के जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, सीएपीएफ एसी 2023 में पेपर 1 के क्वेश्चंस का एनालिसिस और स्टडी फंडा के सब कोर्सेज का जो है क्या परफॉर्मेंस रहा है। दूसरी चीज, कोई भी आपको ऐसा कोचिंग नहीं मिलेगा जो अपने कोर्स की अच्छाई और बुराई आपको बताए। स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन सीएपीएफ, बाकी का मुझे नहीं पता कैसा क्या करते हैं, बट सीएपीएफ कैटेगरी के अंदर ऐसा ना तो कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जो इतना दिल खोल के आपका अपने सामने रखे, राइट। जो मेरी कमी होती है मैं मुंह पे एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम नॉट लाइक अदर्स कि कुछ भी कंटेंट बना के दे दिया बच्चों को, उसमें से कुछ नहीं आया तो दुबक के बैठ जाओ। है बहुत सारे चैनल ऐसे। एक फनी फैक्ट आपको बताता हूँ, पता नहीं आपको इस चीज का पता है नहीं पता है, करंट अफेयर जब हमने 2022 के अंदर बनाए थे तो हमारे करंट अफेयर में से क्वेश्चन नहीं आए थे। I publicly apologized, I came forward and I basically मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हम नहीं ट्रैक कर पाए यूपीएससी को। और यूपीएससी आपको पता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपका पढ़ाए हुए में से यूपीएससी में पेपर नहीं आता है, ठीक है। अभी मैंने एक सीरीज देखी थी करंट अफेयर का, बाप के नाम से एक सीरीज थी, 100 करंट अफेयर के नाम पे 200-250 करंट अफेयर कराए गए, पूरी मैंने वीडियो देखी वो। यू बिलीव एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया। सीएपीएफ एसी के अंदर इस बार 17-18 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर के थे, एक भी डेडिकेटेडली डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं आया। उधर से ना कोई पब्लिकली अपोलॉजी वीडियो आई, ना उन्होंने कभी ये बताया कि हमारे हमने ये करंट अफेयर आपको पढ़ाया था इसमें से आपका पेपर नहीं आया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितनी ऑनेस्ट है पब्लिक आपके साथ। बच्चों आपके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो का एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में। बहुत बच्चों के मैसेजेस मैंने देखे, बहुत बच्चों का दिल टूटता हुआ देखा। अल्टीमेटली मैं एक ही चीज सिर्फ सबको कहूंगा, पेपर जो है वो मॉडरेट था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। कुछ चीजें हैं डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा,
और उनके लिए जो है आने वाले स्टूडेंट जो है 2024 के लिए वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें थी जो बहुत इजी थी, आप इजीली कर सकते थे बट सिली मिस्टेक्स के कारण आपने नहीं की होंगी। ठीक है, तो पेपर जो है बहुत मॉडरेट में कहूंगा। जो भी बच्चा डेडिकेटेडली इसने एनसीईआरटीज को फॉलो किया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, न्यूज़पेपर फॉलो किया है, करंट अफेयर की मैगजीन्स फॉलो किए, आपका एग्जाम नहीं रह सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम जो है क्वालिफाई हुआ है और होगा, हुआ है मतलब इन द सेंस पेपर बहुत बढ़िया गया है, टाइमली सारा सबमिट किया, किसी के 150 नंबर है, किसी के 160 नंबर है। वो चीज तभी पॉसिबल है जब आपने स्टैंडर्ड सोर्स के ऊपर स्टिक किया हो। कोई भी आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, किसी का भी ज्वाइन कर लीजिए, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे कोई भी बंदा आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता, ये मैं आपके मुंह पे बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ स्टूडेंट पब्लिक ग्रुप्स। स्टूडेंट तो ये हमारे वाले स्टूडेंट जिन्होंने खुद से पढ़ाई नहीं की, लास्ट में आके जो है सब कुछ छोड़ दिया और जैसे पेपर हुआ उसके बाद आके बोलते हैं कि सर आपके कोर्स से कुछ भी नहीं आया। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। पब्लिकली सारा डाटा मैं जो है डालूंगा टेलीग्राम पे, इतनी हिम्मत मैं रखता हूँ। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट बट स्टडी फंडा इतना गट्स रखता है कि पब्लिकली आपके सामने पूरा पूरा डाटा शेयर करूंगा विद क्वेश्चन, विद पेज नंबर, कहाँ से क्या है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हम किसी से कोई चीज छुपाते नहीं है, स्पेशली उन लोगों से जो हमें ट्रस्ट करते हैं, आप लोग हमारे जो बच्चे हैं उनसे मैं कभी कोई चीज नहीं छुपाता हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। मैं अगर फेल हुआ हूं तो हुआ हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सब होते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। राइट, ट्रांसपेरेंसी, स्टडी फंडा का जो दूसरा नाम है ट्रांसपेरेंसी, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेगी। ठीक है, हार्ड वर्क आपको पता है आपके लिए कितना करते हैं, और डेडिकेशन। ठीक है, आई एम नॉट लाइक अदर, कोई भी कोर्स आपका डिजाइन हो रहा है पर्सनल पार्टिसिपेशन रहता है मेरा। पूरे फाउंडेशन बैच के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट मैंने खुद उसके अंदर पढ़ाए हैं। मैं ऐसा नहीं है कि दे दिया किसी को कोर्स, पता ही नहीं आपको क्या, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो बॉर्डर पे जाके, आपकी टीम देख रही है पीछे से, आपको पता ही नहीं कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी बाय द वे इस वीडियो से, बट कोई बात नहीं, लगने दो, उनका काम है। हमारा परफॉर्मेंस विद प्रूफ सीपीएफएससी 2023 एग्जाम में क्या रहा, ओवरऑल बता देता हूँ। 110 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसका रीजन क्या है 110 क्वेश्चन लिखने का। यहाँ पे सीएपीएफएससी के अंदर 125 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन थे दोस्तों, तो मैंने उनको हटा दिए। देखिए टॉपिक हमने उसमें भी कवर कराए, बट वो थोड़ा क्वेश्चन दिखाना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वो स्टूपिडिटी लगेगी अगर मैं कहूँ कि ये देखो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इस टॉपिक का जो है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ, क्योंकि स्टेटमेंट तो मिलेंगे नहीं आपके, इजंट इट। तो वो 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, 110 में से 78 क्वेश्चन, 77-78, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है वो नंबरिंग वहां पे एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये मान के चलो अब 77-78 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली स्टडी फंडा के कोर्सेज से आए हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन फाउंडेशन बैच से हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस अगर बताऊं हमारे परफॉर्मेंस का, वो ये है 77 out of 110, वही मैंने बताया एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम के स्टडी फंडा के फाउंडेशन कोर्स से थे। ठीक है, दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी की बात करूं, मैंने खुद ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच के अंदर पढ़ाया है, 20 क्वेश्चन आपके आए थे दोस्तों, 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी फंडा के फाउंडेशन कोर्स से थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पोर्जुलाइजेशन वाला था, वो भी मैंने उसमें डाला है बट हमने क्लेम नहीं किया है, रीजन बीइंग उसके अंदर जो डेफिनेशन थी पोर्जुलाइजेशन और ग्लेजियाइजेशन जो भी दो था उसमें वो एक्सप्लेन हमने किया था, बट उसमें कहीं पे फुंडीज वगैरह नहीं मेंशन था, तो वो क्वेश्चन हमने इसमें से हटाया है। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई कीवर्ड इधर उधर का भी हो गया ना क्वेश्चन में, हाँ जी हमारे उससे था, मैं आपको दिखाता हूँ असली में क्लेम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर वो वाली चीज मैं करूं तो ये 90 नंबर पे चला जाएगा क्वेश्चन का वो। ठीक है, एनवायरमेंट की अगर बात करूं, 2-3 क्वेश्चन आपके आए थे, 2 में से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली थे, बाकी 1 क्वेश्चन करंट अफेयर का। साइंस की बात करूं अगर, 27 क्वेश्चन मुझे मिले, 27 में से 20 क्वेश्चन स्टडी फंडा के फाउंडेशन कोर्स से थे। अब आप बोलोगे सर 7 क्वेश्चन का क्या हुआ, देखिए हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रेगुलरली जो हम सोर्स पढ़ते हैं, बेसिकली जैसे साइंस के लिए आपको मैं अगर बताऊं 9वीं और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी सजेस्ट की जाती है, तो 6-7 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन हैं जो 10th और 9th क्लास के एनसीईआरटी से बाहर से थे, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन था अगर आपको याद है आयन एक्सचेंज वाला एक क्वेश्चन था वो आपका बाहर से था। ठीक है, उसके बाद आपका tRNA करके एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था वो आपका बाहर से था, तो ऐसे 6-7 क्वेश्चन थे जो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी के थे, बाकी 27 क्वेश्चन में से 20-21 क्वेश्चन 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी से थे और सारे के सारे जो है हमने कवर कराए। करंट अफेयर की बात करूं, 17 में से 13 करंट अफेयर जो है स्टडी फंडा के करंट अफेयर मैगजीन से आए हैं,
पॉलिटी की अगर बात करूं 10 में से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स की बात करूं 10 में से 7 क्वेश्चन, और हिस्ट्री की बात करूं 20 में से 9 क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री में इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों? हिस्ट्री में पुअर परफॉर्मेंस इसलिए दोस्तों कि हिस्ट्री का कोई भी स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं ये चीज गलत बोल रहा हूं तो कोई भी आके मुझे बता देना। ये जो 20 क्वेश्चन थे, 20 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं यूजुअली यूपीएससी नहीं पूछता है, बट वही है हर बार एक सब्जेक्ट जो है यूपीएससी को मुश्किल बनाना होता है, तो इस बार वो सब्जेक्ट हिस्ट्री और मैथ था आपका, ठीक है। जैसे कि आपका पोटरी वाला क्वेश्चन है, कभी आज तक जिंदगी में सीएपी में कोई पोटरी का क्वेश्चन ही नहीं आया, इस बार पूछ दिया, वो भी मतलब समझ लो शॉर्ट फॉर्म, ऐसा नहीं फुल फॉर्म देके, शॉर्ट फॉर्म दे दिया। आप किस बच्चे को क्या पता है पोटरी के बारे में, नहीं बता पाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र से एक स्त्री का क्वेश्चन पूछा, जनरली पूछते थे कि अर्थशास्त्र को जी किसने लिखा है, ठीक है। इस बार क्या पूछ दिया कि राजा घूमता था नहीं घूमता था, पैसे इकट्ठे कर, मतलब इतना डीप में कौन पढ़ता है भाई। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप सीपीएफ एग्जाम में पूछ रहे हो, ठीक है। तो उसका रीजन ये है, इसमें भी आप देखोगे एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो हम और कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली भैया छूट जाती कुछ चीजें डिटेल में। जैसे हर्षवर्धन वाला क्वेश्चन था, हर्षवर्धन मेरे कोर्स के अंदर पढ़ाया गया प्रॉपर तरीके से, बट 7 BCE जो था वो थोड़ा सा मिसिंग था, इसलिए वो क्वेश्चन हमने इसमें नहीं डाला, नहीं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है आपके हो जाते, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लेम जो हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो है कितना जो है सिमिलैरिटी रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली आपका आपने कुछ दिया हुआ डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ भी नहीं, प्रॉपर लाइन टू लाइन मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। हालांकि मैं पूरा पूरा पेपर आपको नहीं दिखाऊंगा, रीजन भी 3-4 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, जिनको डाउट है वो जाके टेलीग्राम में जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा बिल्कुल डिटेल में, मैंने खुद ये टॉपिक कवर करा है आपका, ऑक्सीजन 47%, फाउंडेशन बैच 1 फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5वां है, टाइम स्टैम्प है 1:17 पे जो है ये टॉपिक जो है आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर जो है किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, वो जो है आपका इसमें एक्सप्लेन किया था। एंड सिंसियरली आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, अगर आप अपने जो कोर्स किया है अगर आप रिस्पेक्ट करते हो एक टीचर की, अगर आप रिस्पेक्ट करते हो हार्डवर्क की, तो प्लीज बताइए क्या जो चीज मैंने यहाँ पे लगाई है क्या वो सच है नहीं। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, उनका काम है देखिए, ठीक है। लेकिन जो भी चीजें आपको यहाँ पे लगाई है प्रॉपर तरीके से मैंने विद टाइम स्टैम्प लगाई, ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी फोटो खींच के डाल दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड और रीजन के ऊपर क्वेश्चन आया था, दो जगह जो है मैंने कवर करवाया था हमारे फाउंडेशन बैच के अंदर भी। फाउंडेशन बैच फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन अर्थ, टाइम स्टैम्प है 18:20 पे जो है ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था आपका, प्रॉपर तरीके से सारे ग्रासलैंड बनाए हैं, हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है दोस्तों, सेम डायग्राम जो है आपको स्टडी फंडा नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा, उसके अंदर भी हमने डाला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी जो है स्टडी फंडा के फाउंडेशन बैच में मैंने कवर कराया था, लेक्चर नंबर 11 एनसीईआरटी सीरीज, पीवाईक्यू जो है डायरेक्ट हिट है, वहां से ये देख सकते हो डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये मतलब मेरे लेक्चर का ही पार्ट है। क्योंकि हमारे एक और चीज मैं बताता हूँ खास, वैसे बहुत सारे लोग सीपीएफ के लिए पढ़ाते हैं, स्टडी फंडा इज द ओनली प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब और एनीवेयर जो हर लेक्चर के साथ में आपको पीवाईक्यू जो है कराते हैं, तो ये पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने इस बार उठाया था, और ये जो है फाउंडेशन बैच का 12th क्लास की ज्योग्राफी है, लेक्चर नंबर 11, टाइम है 9:31 के ऊपर जो है ये टॉपिक एक्सप्लेन था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रमलिन वाला, ड्रमलिन जो है स्टडी फंडा नोट्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3 डायरेक्ट हिट है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है और सारा जो है डिटेल में वीडियो भी डाली हुई है यार, और बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका एजिंग पॉपुलेशन, जिस क्वेश्चन को बहुत सारे कोचिंग वाले बोल रहे थे कि पता नहीं कहां से दे दिया, ये क्वेश्चन आपके सामने है फाउंडेशन बैच ह्यूमन ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 2 के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से पूरा पॉपुलेशन एजिंग का जो है कंसेप्ट मैंने समझाया था विद एग्जांपल, यहां पे आप मेरा फोटो भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजेस्ट सी रूट लिंक टू टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम, ठीक है। फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 7 क्लास 12 टाइम स्टैम्प है 40:39 के ऊपर जो है टॉपिक एक्सप्लेन किया था, आप जाके चेक आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ग्रेनाइट वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमीएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट, लैंडफॉर्म वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है,
फाउंडेशन बैच फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 7 टाइम स्टैम्प है 3:02 यानी 3 मिनट 2 सेकंड के ऊपर जो टॉपिक एक्सप्लेन है यहाँ पे आप देख भी सकते हो लाइमस्टोन है और यहाँ पे पूरा जो है एनिमेशन के थ्रू जो है टॉपिक मैंने समझाया था आपको ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल का जो टॉपिक है फाउंडेशन बैच इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 6 सॉइल के अंदर जो है पूरा टॉपिक एक्सप्लेन था। सारी का सारी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज फाउंड इन फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 16 टाइम 4:34 के ऊपर जो है आपका टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल में। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, बारिश कहां पे ज्यादा होती, किस तरीके की आपको बायोडाइवर्सिटी वहां पे देखने को मिलेगी ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका बारकांस वाला जो क्वेश्चन है स्टडी फंडा नोट्स के अंदर जो है पहली स्टेटमेंट दी हुई है, थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी और सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन है फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 7 पार्ट 4 फिजिकल ज्योग्राफी का जो है टॉपिक है। इधर आप देख सकते हो प्रॉपर होल बालकान दोनों डायग्राम बना के भी दिखाए थे जो है क्रिसेंट शेप में जो किस तरीके से होता है, कहां से बिल्ड आपकी आएगी, किस तरीके से क्या है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक था ये आपका फार्मिंग प्रोसेस वाला, ये पूरा का पूरा जो है फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज टॉपिक का नाम है। उसके बाद टाइम जो है 22:20 के ऊपर जो एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट है आपका अर्थ की एक्सिस वाला क्वेश्चन, ये जो है पूरे तरीके से डिटेल में आपको समझाया गया था पूरा प्रोसेस जो है ठीक है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा पूरे इंडिया में फाउंडेशन बैच सीएपीएफ एग्जाम के लिए कोई अवेलेबल नहीं है जैसा मैंने बढ़ाया। खुद सोचिए ज्योग्राफी में जहां बच्चे पेपर को मुश्किल बता रहे थे 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं आपके सामने है ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं, ये वाला था ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन वाला टॉपिक। यहाँ पे आप जो है नोट्स के अंदर एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई थी और जो है ये कॉमन सेंस है यूपी बिहार हरियाणा वेस्ट बंगाल जो है ये पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट का जो है थोड़ा सा आपको एक तरफ आइडिया लगाना था तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 टाइम स्टैम्प है 9:11 के ऊपर जो है प्रॉपरली मिड ओशनिक रिजेस का पूरा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है डिटेल में एक्सप्लेन किया है पहली जगह। दूसरा लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर नाम है ओशियन का, सभी के सभी स्टेटमेंट जो है मिड ओशनिक रिजेस के रिगार्डिंग जो है एक्सप्लेन की हुई है वहां पे ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका मिलेट्स, मिलेट का जो है टॉपिक करंट अफेयर की वीडियो जो है डिटेल में आपको समझाया था ये। उसके बाद जो है आपका जियोथर्मल एनर्जी लेक्चर नंबर 7 12th क्लास की एनसीईआरटी है और इसके अंदर जो है डिटेल में हमने बताया था कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती कैसे क्या होती ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट भी जो है फाउंडेशन बैच के अंदर कवर्ड है और न्यूक्लियर एनर्जी का थोड़ा सा आपको गैसेस में लगाना था इसलिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन स्टडी फंडा नोट्स के अंदर कवर्ड था लेकिन ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी एलिमिनेट करेगा, रीजन बीइंग ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जो है सारी की सारी स्टेटमेंट जो है रफली 3 स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है, एक इनकरेक्ट है बट इन्होंने पूछा था करेक्ट कौन सी है तो ये क्वेश्चन ड्रॉप करेगा यूपीएससी। बट रागी के बारे में कौन सी क्रॉप है डिटेल में जो है पूरा इंफोग्राफिक जो है डाला हुआ है आपके नोट्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका रॉक वाला क्वेश्चन फाउंडेशन बैच फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 5 23:29 के ऊपर जो एक्सप्लेन है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग टायर के बारे में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन है ठीक है। उसके बाद है आपका फुंडीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बच्चों को डाउट है, ये सबको ही डाउट है ठीक है। इसका आंसर बी होगा या सी होगा, दोनों की दोनों प्रोसेस जो है हमने अपने नोट्स के अंदर कवर किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो पोर्जोलाइजेशन और ग्लेइंग प्रोसेस ठीक है। अगर इसका डी आंसर होता है तो ये भी स्टडी फंडा नोट्स में जो है मेंशन हमने कर रखा है, हालांकि मैंने इसको क्लेम नहीं किया, रीजन बीइंग इन नोट्स के अंदर कहीं भी फुंडीज वगैरह का जिक्र नहीं है तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये मेरा क्वेश्चन है ठीक है। 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी के 20 में से। उसके बाद जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ, इकोनो एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन थे, ये एक डायग्राम पे जो है साहिल सर ने प्रॉपर तरीके से जो इसमें एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा। देखो आप यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन मिनामाटा बैसल कन्वेंशन रोटरडैम सारा का सारा एक ही स्लाइड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ही। फाउंडेशन बैच एनवायरमेंट लेक्चर नंबर 3 सेम जो है अगला क्वेश्चन भी जो है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है साइंस, साइंस के 27 में से 20 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन 27 में से जो 6-7 क्वेश्चन है वो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी के हैं और थोड़े से टफ मैं उनको कहूंगा, रीजन बीइंग यूजुअली बच्चे ऐसी पढ़ाई नहीं करते हैं बट जो भी 9वीं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी हमारे फाउंडेशन बैच में कवर थे। ये देखिए फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 5 केमिस्ट्री का टॉपिक है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है ठीक है। सेम न्यूमेरिकल पूछा है बस यहाँ पे
हाइड्रोजन सिंपल दे दिया, वहां पे हाइड्रोजन की जगह कुछ और दे रखा था, ठीक है, डिस्प्लेस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, TiFePTZn, पूरा पूरा विद शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आपको क्या चीज और बताओ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म AiZnFePbHCuA, वो प्लेटिनम सबसे नीचे है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन, डायरेक्ट हिट है, स्टडी फंडा फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 7 मेटल एंड नॉन मेटल एक्सप्लेन बाय अभिषेक झा सर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिट है, फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजी का है, सेल का चैप्टर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इतना टाइम नहीं है दोस्तों, मैं 75 क्वेश्चन आपको दिखाने बैठूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। जिस भी बच्चे को 1% भी डाउट है कि नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हो, स्टडी फंडा का टेलीग्राम ग्रुप चेक करो, जाके आप जो है हर एक क्वेश्चन मिला के देख सकते हो, ठीक है। और इतना ट्रस्ट आप कर सकते हो कि भाई जो बंदा अपने कोर्स को पब्लिकली आपके सामने दिखा रहा है कि मेरे उससे ये आया है, वो झूठ नहीं बोलेगा। और मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, जब आपके करियर की बात आती है, आई नेवर लाई, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्पेशली ये वीडियो बनाने का एक रीजन और भी था दोस्तों, कि इतना डाटा मैंने चेकआउट किया है तो कुछ पता चला है 2024 के बच्चों के लिए कि कहां कहां पे आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे इस बार आप देखोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस थे, वहां पे जो एक क्वेश्चन का मुझे बहुत दुख है कि वो हम कवर नहीं कर पाए, जो यूएन वाला आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला क्वेश्चन था, सार्क वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमें करना चाहिए था, वो भी हम नहीं कर पाए। बट डोंट वरी, 2024 के अंदर ये सभी चीजें जो आपको अच्छे तरीके से कवर्ड मिलेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है, कैसा आपको कोर्स लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो विद डिटेल बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।